आज का टॉपिक है जैक नाइफ एस्टीमेट। ये इस पे न्यूमेरिकल्स आता है, बेसिकली इस पे थ्योरी ज़्यादा आती नहीं है क्योंकि इसके थ्योरी में सिर्फ फार्मूलाज हैं। तो हम सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि 2021 का 2013-14 का क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो जैक नाइफ एस्टीमेट बेसिकली क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए होता है। सबसे पहले तो इससे मीन फाइंड आउट किया जाता है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया जाता है। और इसमें जो हम एक ग्रिफ देख रहे हैं कि और इसमें जो मेथड इन्वॉल्व होता है वो लीव वन आउट स्ट्रेटजी होता है। कैसे होता है बेटर आपको इससे एग्जांपल से पता चलेगा। देखो सबसे पहले एग्जांपल करते हैं, हमें इसमें जैसे मैंने बताया मीन फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। हमारी वैल्यू दे रखी है 1, 3, 9, 15 एंड 20, ठीक है। कितने टपल्स हैं, एन इज इक्वल टू 5 टपल्स हैं। और अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो फिर हम इसको सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। एक्स वन को हमने 1 मान लिया, एक्स टू को हमने 3 मान लिया, एक्स थ्री को हमने 9 मान लिया, एक्स फोर को हमने 15 मान लिया और एक्स फाइव को हमने 20 मान लिया, ठीक है। अब हम इनका मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन क्या होता है, हम इसको एक्स वार से डिनोट करते हैं, 1 + 3 + 9 + 15 + 20। इसको कितने टपल्स हैं, 5 टपल्स हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा, 9 3 12 1 13, 13 15 28, और ये 48 डिवाइड बाई 5। 48 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, 5 45 5 31। आपका जो मीन आया वो 9.6 है। ये एक देखो, ये तो एक तरीका हो गया मीन फाइंड आउट करने का। अब आपको क्या करना है, आपको ये इंडिविजुअली इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या मतलब, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखो मैंने बोला था कि इट इन्वॉल्व्स अ लीव वन आउट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो लीव वन आउट स्ट्रेटजी में क्या होती है कि अगर आप 2 टपल्स की बात कर रहे हो तो फिर आप उसमें एक्स वन को एक बार एक्सक्लूड कर दोगे और बाकी को इंक्लूड कर दोगे, एक्स टू को एक्सक्लूड कर दोगे, बाहर निकाल दोगे और बाकी को कैलकुलेट कर लोगे। इस तरीके से एक एक करके आप सबका मीन निकालोगे। देखते हैं, सबसे पहले मैंने बात की है एक्स वन को इग्नोर करोगी। देखो बाय इग्नोरिंग एक्स वन को इग्नोर करेंगे तो θ1 निकालेंगे, x2 + x3 + x4 + x5, ठीक है, डिवाइड बाय 4। मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, बाद में हम लोग तुरंत से निकाल देंगे। और सिमिलरली हम इग्नोरिंग करेंगे, हम किसको x2 को इग्नोर करेंगे तो हम निकालेंगे θ2। तो यहाँ पे x1 + x3 + x4 + x5 डिवाइड बाय 4। उसी तरीके से हम x3 को इग्नोर करेंगे तो ये θ3 निकलेगा। ये क्या निकलेगा, x1 + x2 + x4 + x5 डिवाइड बाय 4, ठीक है। और इसी तरीके से हम इग्नोर करेंगे x4 को, x4 से क्या निकलेगा, θ4। x1 + x2 + x3 + x5, यहाँ पे हमने 3 को इग्नोर किया था, यहाँ पे हमने 4 को इग्नोर किया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो x5 को भी इग्नोर करोगे, x5 को इग्नोर करोगे तो क्या होगा, θ5 = x1 + x2 + x3 + x4 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखो इनकी वैल्यूज़ को आप सिंपल सी कैलकुलेशन है, फटाफट करते जाओ। मैंने ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है तो मैं इनको फटाफट लिखता जाता हूँ। देखो इनकी वैल्यूज़ क्या है, 3 + 9, x2 3 है, x3 9 है, x4 कितना है, 15, और ये 20 है। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 11.75, ठीक है। उसी तरह x2 की बात करो तो ये 1 + 9 + 15 + 20 डिवाइड बाई 4, अगर हम इसको डिवाइड बाई करेंगे तो ये आएगा आपका 11.25। उसी तरीके से यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 + 3 + 15 + 20 डिवाइड बाई 4, अगर इसे आप डिवाइड करोगे तो फिर कितना आएगा, 9.75। सिमिलरली हम θ4 निकाल रहे हैं, θ4 पे x1 कितना दे रखा है, 1 + 3 + 15
प्लस 9 प्लस 20 डिवाइड बाई 4, तो फिर ये कितना आएगा, 8.25। हम थीटा 5 निकालना है तो 1 प्लस 3 प्लस 9, एक्स फोर की जगह एक्स फाइव, एक्स फाइव की जगह बस एक्स फोर हो गया, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 4 इसे निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 7। हमने अब इंडिविजुअली इग्नोरिंग, मैंने शुरू में ही बोला था ये लीव वन आउट स्ट्रेटजी पे काम करता है, ठीक है, तो हमने इंडिविजुअली इनके निकाली, अब हम इसका थीटा का वेरिएंस निकालेंगे। थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 प्लस थीटा 5 डिवाइड बाय 5, और इन सारी वैल्यूज को आप पुट करोगे, ठीक है, 11.75, 11.25, 9.75, 8.25 प्लस 7 डिवाइड बाय करोगे 1 2 3 4 5, तो फिर ये वैल्यू आपकी स्ट्रेस के सेम ही आएगी, ठीक है। अब आपने ये इतना निकाल लिया है, अब दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं, ये तो आपने इंडिविजुअल ये टपल्स के निकाले हैं, ठीक है, अब आपको इसका जैक नाइफ एस्टिमेट फॉर मीन निकालना है। जैक नाइफ एस्टिमेट फॉर मीन, ये कितना आएगा, 5 9.6 -4 9.6, एंड हमारे टपल्स कितने थे, 5 थे, एक्स बार हमने निकाला था 9.6 आया था, माइनस आपका थीटा बार ये कितना आया है, 4, और ये कितना आया है, 9.6, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 9.6, ये आपका आंसर हुआ इसका, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने मीन निकाल लिया, जैक नाइफ एस्टिमेट फॉर मीन। अब दूसरी बात आती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, इसमें हम लोग इसकी सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एन की वैल्यूज को हम लोग जानते हैं कि हमारे नंबर ऑफ टपल्स 5 हैं, ठीक है, और उसके बाद सिग्मा एक्स हम लोग एक एक बार में 1 3 9 15 20 के पुट करेंगे, और एक्स बार को हम लोग 9.6 पुट करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले एन को लिख लिया 1/5, ठीक है, उसके बाद अंडर रूट लगा दिया, और हम यहाँ पे क्या जाते हैं, 1 माइनस 9.6 का स्क्वायर, एक बार हमने 1 रख लिया, एक्स वार की वैल्यू हमारी फिक्स है 9.6 आई थी, प्लस अब दूसरी बार में क्या होगा, 1 के बाद हमारा था 3 माइनस 9.6 का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टाइम में हमारा क्या होगा, 9 माइनस 9.6 का स्क्वायर, प्लस 15 माइनस 9.6 का स्क्वायर, प्लस 20 माइनस 9.6 का स्क्वायर, ठीक है, ये सारी वैल्यू कभी ने कैलकुलेट करके रखी है, तो ये 255.2 आएगा, और ये अंडर रूट 51.04 आएगा, और ये आपका आएगा 7.144, ठीक है। जैसे हमने पिछले पे क्या किया था, हमने इसमें सबसे पहले ये निकाल लिया था, उसके बाद इंडिविजुअली निकाले थे इग्नोर करके, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम ऐसा ही करेंगे, हम लोगों ने एक बार इसको निकाल लिया, ठीक है, अब हम इसको में हर बार इग्नोरिंग एक्स करके लिखेंगे, वाई इग्नोरिंग एक्स वन, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें हम एक्स वन की वैल्यू हटा देंगे और बाकी की पुट कर देंगे, दूसरे में हम एक्स टू की हटा देंगे बाकी की पुट कर देंगे, तीसरे में एक्स थ्री हटा के बाकी की पुट कर देंगे, तो ये 1/4 3 -9.6² प्लस 9 -9.6² प्लस 15 -9.6²
प्लस 20 माइनस 9.6 स्क्वायर। आपने क्या किया है, आपने एक एक करके एक एक थप्पड़ को हटा दिया, एक्स वन को इसमें इसमें हटा दिया, तो फिर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा अंडर रूट 1/4 × 181.24 और ये आएगा अंडर रूट 41.31 6.73। अब इसी तरीके से y इग्नोरिंग x2 को इग्नोर करेंगे तो ये क्या आएगा अंडर रूट 1.4 × 211.64। मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ करनी है आपको, एक बार x1 हटाया था, दूसरी बार x2 हटाओगे, फिर x3 हटाओगे, आप सेम प्रोसेस करोगे, ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल सी चीज़ें समझ में आना चाहिए। ये आपकी वैल्यू आ गई 7.27। इसके बाद y इग्नोरिंग x3 करोगे तो x3 की वैल्यू क्या आएगी 1.4 × 254.84 आएगी अंडर रूट 63.71 और ये क्या होता है 7.9। सेम प्रोसेस करोगे जो आपने इसमें निकालने के लिए की थी, सेम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए भी करोगे। ये 2013-14 का क्वेश्चन है। इसके बाद आप करोगे बाय इग्नोरिंग x4 के कैसे कैलकुलेट करोगे, सिमिलरली x4 को आपको इग्नोर कर देना है और बाकी आप उसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा अंडर रूट 56.51। इतनी लंबी कैलकुलेशन होती है तो इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप कैसे से सॉल्व करिए। और लास्ट में आता है बाय इग्नोरिंग x5 कैसे करोगे, इग्नोरिंग x5 36.76 और ये आपका आता है 6.। इस पर कैलकुलेशन के सिवाय कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। और लास्ट में आप इसे इनका मीडियन काउंट कर लोगे प्लस 2 और जब इसमें आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके काउंट करोगे तो ये आपका आएगा 7.11। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेम फार्मूला होता है जो आपका ऊपर हम लोगों ने जैक नाइफ एस्टिमेट के लिए निकाला था, सेम फार्मूला जैक नाइफ एस्टिमेट फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए होता है। ये आपका जैक नाइफ एस्टिमेट है, ये क्या होगा सेम फार्मूला है, आपको सेम तरीके से वैल्यूज पुट करनी है 5 7.144 − 5 − 1 7.2। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 28.74 7.28 इज योर आंसर। तो ये आपका जैक नाइफ एस्टिमेट फॉर मीन था और ये आपका जैक नाइफ एस्टिमेट फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।